हेलो गाइस, वेलकम टू स्मिताज किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी पनीर भुर्जी। तो क्या आप रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे ये पहले यहाँ पर हमने ले लिया है चॉप्ड टमाटर, प्याज और कैप्सिकम, और हमने यहाँ पर लिया है पनीर, या फिर आप होममेड छेना भी यूज़ कर सकते हैं। तो कढ़ाई के अंदर हमने डाल दिया है जीरा और प्याज, इसे हम अच्छी तरह से भुनेंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे ग्रीन चिली और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर डाल दिया है टमाटर और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, इसे भी डालकर हम अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर हमने यहाँ पर डाल दिया है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे हमारे चॉप्ड कैप्सिकम। कैप्सिकम को हमने सबसे लास्ट में डाला है ताकि ये क्रंची रहे और पनीर में इसका अच्छा सा टेस्ट आए। तो अभी हमने डाल दिया है छेना से निकला हुआ पानी। जब दूध और छेना अलग अलग होता है तो उसका हमने पानी अलग कर दिया था। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारा पनीर, जिसे हम ग्रेट करके डाल रहे हैं, और फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। याद रखिएगा कि अगर आपको पनीर भुर्जी टेस्टी चाहिए तो आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। तो ये देखिए दोस्तों, तैयार है हमारा पनीर भुर्जी। इसको हम गार्निश करेंगे थोड़ा सा धनिया पत्तों से। और ये देखिए दोस्तों, रेडी हो चुका है हमारा पनीर भुर्जी। इसके ऊपर गार्निश करने के लिए हमने थोड़ा और ग्रेटेड पनीर डाल दिया है। आप इसे रोटी या फिर पराठा के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। जब दूध फट कर पनीर हो जाता है तो आप सोचते हैं कि उस पानी का क्या करें। तो उस पानी को आप बचा के रखिए, फिर छेना के अंदर उसे डाल के उसकी पनीर भुर्जी बनाइए और हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। तो हमने यहाँ पर एक पैन लिया है जिसके ऊपर हमने तेल डाल के, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल के और धनिया पत्ता डाल के, ये जो हमने बन लिया है उसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। फिर हम इसको बाहर निकाल देंगे और इसको आप एंजॉय कर सकते हैं हमारे टेस्टी पनीर भुर्जी के साथ। और ट्रस्ट मी, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे हमने ले लिया है बन, इसको हम खोल देंगे। और अब यहाँ पे हमने ले लिया है भुर्जी, इसे हम लगा देंगे हमारे बन के ऊपर। और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे टमाटर और प्याज। इसे हम पनीर भुर्जी वाला बर्गर भी बोल सकते हैं शायद। तो ये देखिए दोस्तों, रेडी हो चुका है हमारा पनीर भुर्जी वाला बर्गर। आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।